हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट और उसके रिपोर्ट्स के बारे में। इस रिपोर्ट्स को अगर आप देखते हैं तो इसमें दो तरह की रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, एक ट्रीटमेंट से पहले और दूसरा जो है वो हमारे ट्रीटमेंट के बाद का रिपोर्ट है। ट्रीटमेंट से पहले वाली रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है फेल्काइन कैल्सिफिकेशन ट्यूमर दिखाया गया है, जो कि एक मेनिंजियोमा टाइप ट्यूमर है जिसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर भी होता है। और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसके एक्यूमुलेशन से जो ये एक तरह का ट्यूमर या गांठ या वहाँ पर हम इसको ब्रेन स्टोन भी कह सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है जिससे जो है ब्रेन में स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वॉमिट फील होता है और आँखों में विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ये जो है इसको अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो जनरली जो है सर्जरी के लिए आपको बताएंगे कि सर्जरी से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी कराने के बाद जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हो जाती हैं और उसके बाद ये भी होता है कि दोबारा भी इस तरह का जो है ट्यूमर या जो कैल्सिफिकेशन, जो लेसन जिसको कह सकते हैं या फेल्काइन कैल्सिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा भी ये ट्यूमर हो सकता है। तो अगर हम इसको पूरी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं तो इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह से क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसी रिपोर्ट में, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि जो उसके बराबर में जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें देखिए कि ये जो ट्यूमर है सेम पेशेंट है और कुछ दिनों के, कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद जो है ये पूरी तरह से जो ये ट्यूमर है वो ख़त्म हो गया। और जो आप इम्प्रेशन में देखेंगे, जो आपका जो रिपोर्ट का जो इम्प्रेशन है इस पेशेंट का, उसमें नॉर्मल ब्रेन सीटी स्कैन जो है दिया गया है। वो जो ट्रीटमेंट से पहले उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड भी है, जहाँ पर ट्यूमर है ट्यूमर होने की वजह से वहाँ पर जो है कुछ जमा होने की वजह से क्या है फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया है और उससे स्वेलिंग भी हुई है ब्रेन के अंदर और तरह तरह की इस पेशेंट को प्रॉब्लम थी। लेकिन जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद देखेंगे तो ना तो स्वेलिंग है, ना उसमें किसी तरह का कोई फ्लूइड है, ना जो दूसरे सिम्टम पेशेंट्स को थे इस प्रॉब्लम की वजह से वो सिम्टम्स भी उस पेशेंट के ठीक हैं, क्योंकि जो ट्यूमर था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है ट्रीटमेंट के बाद। तो इस तरह से अगर आपको, अगर आपके किसी रिलेटिव को या आपके चाहने वाले को, आपके मिलने वाले को, आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन शर्त यह है कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो बेनाइन टाइप का ब्रेन ट्यूमर हो, नॉन कैंसरस ट्यूमर हो। अगर कैंसरस ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और नॉन कैंसरस जनरली ज़्यादातर पेशेंट में जो ट्यूमर होते हैं वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं, जो कैंसरस नहीं होते हैं। तो इस तरह के ट्यूमर अगर ब्रेन में किसी को है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उसका सॉल्यूशन और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का कोई अपना ऐड करना नहीं है, कोई अपना पब्लिसिटी करना नहीं है, लेकिन मोटिवेट करना है अपने जो भी पेशेंट जिनको इस तरह का ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है और आप तरह तरह का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी हताश हो चुके हैं और आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बताया, तो एक बार आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे इसका सॉल्यूशन, इसके ट्रीटमेंट